नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज जो हम बात करने वाले हैं उन ट्रिक्स की जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगी फाइंड आउट करने के लिए कि ये कौन सा टेंस है। जनरली जब हम टेंस सीखते हैं तो हम क्या चीज़ देखते हैं, हमको पता होता है कि अगर हम YouTube पर भी वीडियो देखते हैं तो हमारे पास जाने कितनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो हमें सिखाती हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं कि हम जनरली टेंस को टेंस के तरीके से समझने लगते हैं और उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझने लगते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते कि एक्चुअली टेंस वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर हम उसको यहाँ पर समझ लें तो हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि टेंस कौन सा वर्ड जो है, किस फॉर्म कौन सा है। तो एक नाउन है, ठीक है। अगर आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो टेंस जो है एक वर्ड है, जो एक नाउन है, जो कि आपको लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लेटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, और जिसका मीनिंग यहाँ पर होता है टाइम। टाइम मीन्स ये आपको बताता है कि कोई भी वाक्य किस समय हुआ है। हम इंग्लिश को सीख रहे हैं तो टेंसेस को हिंदी में करना समझना बहुत ठीक भी है और ज़रूरत भी है। वो चीज़ हमारी नेटिव लैंग्वेज में हमें थोड़ा सा समझ आ जाती है। तो यहाँ पर ये टेंसेस हो गया गलती से, लेकिन ये यहाँ पर सेंटेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेंसेस नहीं है, सेंटेंस है। तो आप इसको टेंसेस ना पढ़ें, टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ें। हम जनरली कंफ्यूज रहते हैं टेंसेस में, टाइप ऑफ टेंसेस में और टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। तो टाइप ऑफ टेंसेस हमारी तीन होती हैं, यानी काल तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। और यहाँ पर सेंटेंसेस जो होते हैं वो कितने भी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमसे पूछा नहीं जाता, लेकिन मोस्टली हमें तीन टाइप के बताए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है अफर्मेटिव, इट मींस यस वाले, नॉर्मल असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, नेगेटिव जिसमें नहीं आ जाए, इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्टेटिव जिसमें विश या होप्स होती हैं। और यहाँ पर हमसे ये भी पूछा जा सकता है इम्पैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, दैट इज़ कमांड, जिसमें कमांड दी जाए या फिर आपको ऑर्डर दिया जाए। यहाँ पर हमें पता है कि जब भी हम एक्साइटमेंट को शो करते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है। आप इंग्लिश सीखने के लिए ये चीज़ें सीख रहे हैं, सेंटेंस को सीख रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हैं, जैसे कि अभी यूपी टेट हमारे बहुत पास है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टाइम से क्या करें, उनको सेंटेंसेस को सीखें, तो हमें कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होगी। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी हम कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के लिए देना चाहते हैं तो हम ये चीज़ें रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं रटनी होती, हमें कुछ ट्रिक्स चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर आपको ये पूरा पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर टेंसेस एंड पैटर्न सेंटेंस यहाँ पर कौन से टाइप के होते हैं। वैसे तीन टाइप के यहाँ पर मैंने लिए हैं, उनके यूज़ और सिग्नल वर्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिग्नल वर्ड्स, यही है हमारी ट्रिक्स। अगर हम इनको पहचान गए, ये और ये किसी भी सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम इन दोनों चीज़ों को पहचान गए तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर जो हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे सेंटेंस की। यहाँ पर लिखा है, यानी हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं प्रेजेंट के सभी फॉर्म्स को लूँगी। तो सबसे पहले हमें अगर सिंपल फाइंड आउट करना हो कि सिंपल सेंटेंस कैसे हम फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर देखिए सिग्नल वर्ड्स, आपको जब सेंटेंस आएगा उसमें से इसमें से सिग्नल वर्ड ज़रूर दिया होगा और यूज़ कुछ ऐसे किया होगा। अगर हम सीख रहे हैं तो ये चीज़ सही है, ठीक है, इसको भी सीखना चाहिए, लेकिन ये है इतने छोटे वर्ड हमें आते नहीं हैं, इतने छोटे सेंटेंसेस की फाइंड आउट करो कौन सा है, ना ही इतने सिंपल आते हैं। हमें आते हैं इसमें से और इसमें से, और हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन पता चल गया फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव की, तो उसमें से एस और ई एस लगता है, ये सभी को पता है, लेकिन कब और क्यों लगता है। सबसे पहले अगर आपकी हॉबी बताई जा रही हो, यहाँ पर नहीं देखना है कि हम जनरली इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऐसे करेंगे, नहीं। अगर आपकी हॉबी बताई हुई हो, यानी मुझे किसी चीज़ की आदत है, जैसे कि मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है या फिर मुझे नेचर को देखने की आदत है, तो हमें वो चीज़ की आदत है तो ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगी, ठीक है। जो हमेशा ट्रू रहती हैं, जैसे कि जो सन है वो हमेशा से राइज करेगा ईस्ट से, वो चाहकर भी आप चेंज नहीं कर सकती कि आप उसे जाकर वेस्ट में बिठा दोगे तो वो सुबह को वेस्ट से उठेगा, नहीं, वो उठेगा
कहाँ से, ईस्ट से ही उठेगा चाहे जो हो जाए। इट मीन्स जो काम डेली होने वाला हो, ठीक है, जो काम डेली होने वाला हो, और ये दोनों चीज़ें डेली काम को ही बता रही हैं, ठीक है। तीसरी, रनिंग कमेंट्री में जनरली हम मैच की कमेंट्री देखते हैं, जनरली ये वाला पोर्शन जो है ये अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाह रही हूँ कि अगर रनिंग कमेंट्री आ रही हो, किसी फैक्ट को बताया जा रहा हो, ये वाला भी ऑप्शन एग्जाम्स में नहीं आता, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तब भी, यहाँ पर इन सब में क्या आता है, प्रेजेंट टेंस यानी एस और ई एस वाले जनरली आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर फिर भी आपको इसके बाद भी कन्फ्यूजन होती है तो यहाँ पर आ जाइए, हम ट्रिक्स को देख लेते हैं। उसमें ये वर्ड होगा, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, ये वर्ड जो होंगे, ये तीन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। ये तीनों वर्ड मिलने का मतलब ही ये है कि आप कुछ चीज़ें डेली कर रहे हो, ठीक है, तो उन चीज़ों को फ्रिक्वेंटली, इन चीज़ों को देखने का। लेकिन आप इन दोनों को बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा, या फिर तो हॉबी या फिर तो कोई ऐसी चीज़ जो एक ट्रू स्टेटमेंट हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इट मीन्स ब्रह्मांड की कोई ताकत सिवाय ईश्वर के उसे बदल नहीं सकती। तो वहाँ पर हमारा जो इंग्लिश का रूल कहता है, वो कहता है आप ई एस या ई एस लगाइए, ठीक है। सेकंड, हमारा जो टेंस पैटर्न है वो हमारा कॉन्टिन्यूस है, ये सभी जानते हैं, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आती है। इस चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। जनरली आपको पता चल जाएगा, हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, हमें पता चल जाएगा कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही है, लेकिन यहाँ पर कमेंट्री जो है वो ऐड नहीं होगी। यहाँ पर देख लेते हैं क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि कोई आइडिया या इवेंट जो अभी अभी डेवलप हो रहा हो, कि वो और बेहतर पे बेहतर होती जा रही है, ठीक है। एक्शन जो है वो जो हो रहा हो, जैसे कि वो कॉन्टिन्यूएशन में आपको दिखाई दे, यानी अभी भी वो काम हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है तो मुझे इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्शन इन प्रोग्रेस, ये एक्शन है जो प्रोग्रेस में है, और डेली आप करते हैं वो, कि आप क्या करती हैं, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ या मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, आई एम टीचिंग इन अ कॉलेज, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो प्रोग्रेस में हो, जनरली हम कन्फ्यूज इन दो में हो जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब प्रोग्रेस में हो, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अगर मैं ये कह दूँ यहाँ पर आई एम अ यूट्यूबर, तो मैंने एम का यूज़ किया है यहाँ पर ऑटोमेटिकली, आई एम अ यूट्यूबर, जब मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हूँ, या फिर कॉन्टिन्यूस की अगर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर किसी कॉन्टिन्यूएशन में जो काम मैं डेली करती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, यस आई एम, मैं डेली कॉलेज जा रही हूँ, तो यहाँ पर जब मैं डेली की बात कर रही हूँ, और मैं क्या करने जाती हूँ, पढ़ाने जाती हूँ, तो मैं कहाँ जाती हूँ, आई एम वर्किंग इन अ कॉलेज, वर्किंग लगा सकते हैं आप, ठीक है, जब भी आप करते हैं, आई एम वर्किंग इन अ इंजीनियरिंग कॉलेज, तो यहाँ पर आप ऐसे करके आपको दिखे, तो इट मीन्स ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली ये दोनों, इनमें कन्फ्यूजन जो ये एग्जामिनर आपके लिए प्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर आपके लिए सिग्नल वर्ड्स जो हैं वो ये बताते हैं एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, लेकिन जनरली आपको देखने को के लिए नहीं मिलता, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूस को ईजिली समझ जाते हैं, कन्फ्यूजन सिर्फ यहाँ होती है इन दोनों जगह पर। तीसरी ये जो हमारी चीज़ है यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट आते ही आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि हमें हैज हैव आएगा, लेकिन हम जनरली ये भूल जाते हैं कि हैज हैव आएगा तो लेकिन किस किस सिचुएशन में आएगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस सिचुएशन को देखने लगते हैं, इसको देखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इन सिचुएशन को देखना होता है, यूज़ देखने होते हैं, कोई काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, इसके यहाँ पर सिग्नल वर्ड देखिए ऑलरेडी ज़रूर लिखा होगा, ऑलरेडी, एवर, जस्ट, कहीं ना कहीं इन इनको दिया होगा, ठीक है। और यहाँ इनको देने का मतलब है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, सेकंड टाइम, दिस वीक, ईयर, मंथ, पास्ट एक्शन, व्हेन टाइम गिवन इज नॉट डेफिनेट, जब भी हमें एक डेफिनेट टाइम नहीं दिया होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ये नहीं बताया जाएगा, एक फिक्स टाइम नहीं बताया जाएगा कि मैंने कल ये काम कंप्लीट कर लिया था, एक टाइम पीरियड डेफिनेट नहीं होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। आई हैव रेड दिस आर्टिकल, मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा ये टाइम मेंशन नहीं है, तब है जाएगा। पास्ट इवेंट जिनका लिंक प्रेजेंट से हो, ठीक है, वी हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, इट मीन्स कॉल्ड ऑफ किया है स्ट्राइक को,
तो यहाँ पर जो स्ट्राइक हो रही थी उसका जो रिलेशन है वो प्रेजेंट से है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर ये वाला भी सेंटेंस ले सकते हैं, एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट स्टिल कंटिन्यूड, ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है। वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, मैं यहाँ पर 5 साल से रहती हूँ, इट मीन्स अब भी रह रही हूँ। ये तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ पर हमें इनको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी हमारे सिग्नल वर्ड्स हैं। फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसको आप बहुत इजीली समझ सकते। जो हमारा यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ वो पास्ट से शुरू होगी और प्रेजेंट में क्या होगी, प्रेजेंट में कहीं ना कहीं वो आपको प्रेजेंट में भी उसका इफेक्ट दिखाई देगा, इट मीन्स ख़त्म नहीं होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मुझे सबसे वैसे ईजी लगता है, और यहाँ पर कुछ सिंस फॉर जैसी हमारे पास सिग्नल वर्ड्स होंगे, जिसमें फॉर और सिंस ये दोनों आपको एडेड मिलेंगे, ठीक है। सिंस 1993, तो कुछ इस तरह के एक्शन, लेकिन यूज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग, जब हम कहते हैं सुबह से बारिश हो रही है, इट मीन्स अभी भी हो रही है। तो जब दोनों सिचुएशंस हमारी मिल जाएं, जैसे रात से, आज तो शाम 4 बजे से बारिश थी, तो इट मीन्स बारिश शुरू होने का जो टाइम था वो शाम को 4 बजे था और आज अभी 10 बज रहे हैं, तो हम ये दोनों जो टाइम है, इन दोनों को जो टाइम पीरियड को कनेक्ट करता है, पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है, पास्ट और प्रेजेंट को सिर्फ हमारा यही चीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें जब भी हम प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूस को, कभी कभी आप प्रोग्रेसिव भी बोलने लगे हैं, तो अगर प्रोग्रेसिव आ जाए तो भी हमें पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूएशन की बात कर रहा है, और ING कहीं ना कहीं आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका सेंटेंस फॉर्म क्या है। यहाँ पर एन एक्शन दैट इज़ फिनिश्ड बट रिजल्ट जो है अभी भी उसका प्रोसिस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग द होल डे एंड आर नाउ वेरी टायर्ड, बच्चे जो क्या कर रहे थे, सुबह से खेल रहे थे और अब क्या कर हुआ उन्हें, अब वो थक चुके हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं बहुत, लेकिन यहाँ पर हैव के साथ आपको ING देखने के लिए मिलेगा, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट, एंड दिस इज़ अ सिंपल पास्ट, एंड सिंपल पास्ट को फाइंड आउट करने का इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले तो इसका एक सिग्नल वर्ड है, ठीक है, आपको यहाँ पर यूज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिग्नल वर्ड से ही आप इसको पकड़ सकते हैं, जैसे कि यस्टरडे है, अगर यस्टरडे आ गया तो आपको आँख बंद करके आप क्वेश्चन में जो अपना टिक लगा सकते हैं, अगर आपसे फॉर्म पूछ लिया जाए किस फॉर्म में सेंटेंस है, तो आप आँख बंद करके अगर यस्टरडे आ गया है और उसमें एक फिक्स टाइम दिया हुआ है कि टाइम कब ख़त्म हुआ, कब शुरू हुआ, तो या फिर आपको आ जाए लास्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मॉर्निंग, ईयर, कुछ भी आ जाए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर आँख बंद करके आप सिंपल पास्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप देख लीजिए, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यस्टरडे अगर आया हो तो भी आपको सिंपल यस्टरडे, फिक्स टाइम 2 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो, अभी 5 मिनट में ही बस ये काम करके मैंने फिनिश किया है, ठीक है, या फिर लास्ट डे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट फ्राइडे, लास्ट संडे, लास्ट नाइट, ये इसका सिग्नल वर्ड है, और इसको अगर आपने पकड़ लिया तो आप आँख बंद करके इसको सिंपल पास्ट पुट कर सकते हैं। इसके यूज़ भी देख लेते हैं, एक्शन जिसमें यस्टरडे आया हो, ये मैं मजाक कर रही थी, ठीक है, वो एक्शन दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट, इट मीन्स जो जिसका किसी भी तरीके से संभावना नहीं है प्रेजेंट से रिलेट होने का, इट मीन्स यस्टरडे आ चुका है, तो यस्टरडे इसका एक सिग्नल पॉइंट है, की पॉइंट है, जिसे पकड़कर आप आँख बंद करके सिंपल पास्ट को पुट कर सकते हो। कोई हैबिट आपको शो हो रही हो कि उसे ये आदत है ये करने की, इट मीन्स वो डेली करता है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो दैट गोज इन, लेकिन वो आदत अब नहीं है, पास्ट में थी, अगर वो आदत अब भी है तो ये प्रेजेंट में चला जाएगा, ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। थर्ड, दैट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ ही वर्कड इन द ऑफिस फॉर 5 years, ये देखिए फिक्स टाइम आ गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब फिक्स टाइम आ जाए तो यहाँ पर हमें सिंपल पास्ट लेना है, लेकिन दीज टू ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द पास्ट इवेंट दैट इज़ पास्ट इवेंट्स इन ऑर्डर टू विच ऑकर्ड आई कट अप अर्ली, हैड माई ब्रेकफास्ट एंड स्टडी फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर जो ये वाला थोड़ा सा कम ही आता है,
सबसे ज़्यादा इसमें से आते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस में हमारे जो एग्जामिनर होते हैं उन्हें भी कन्फ्यूजन रहता है कि वो कुछ गलत ऑप्शन ना दे दें और उस पर हमें क्या जो है केस वगैरह का इशू क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस देखते हैं, द सेम रूल्स आर देयर जो भी हमने प्रेजेंट में देखे थे, या फिर तो एक एक्शन हो जो प्रोग्रेसिव हो, आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब्स वर आती है जो हमें पता चल चुका है, ठीक है। टू मोर एक्शंस, दो जो एक्शन हैं वो एक साथ चल रहे हों, तो यहाँ पर इस तरह आता है। वर्ब्स वर का यूज़ कैसे किया जाता है ये हम सभी को पता है, और नहीं पता है तो YouTube पे हज़ारों वीडियो हैं। मैं जस्ट यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए ट्रिक्स के लिए लेकर आई हूँ कि आप उसके यूज़ को पहचान पाएँ, और उसके यूज़ को पहचानने के बाद आपको क्या करना है, आप उसको पहचान पाएँ कि दैट इज़ वॉज, दैट इज़ वर। जो वॉज लगता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, इधर आप पढ़ सकते हैं, और जो वर लगता है वो प्लूरल के साथ लगता है। यहाँ पर आप उसके यूज़ देख सकते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा सिंपल वे में यूज़ देख सकते हैं, और यहाँ पर ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको अनोइंग हैबिट आपको शो हो रही है तो भी आपको आईएनजी का यूज़ होता है, बट दैट मस्ट बी इन पास्ट। प्रेजेंट में आ जाती है तो वो जैसे ही प्रेजेंट में आती है यानी अब भी है, पास्ट में वो चीज़ छोड़ चुके हैं, जैसे उन्हें झूठ बोलने की बहुत आदत थी लेकिन अब नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, थी लेकिन अब नहीं है, प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि वो आज भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं या बोलती हैं, तो ये प्रेजेंट में चली जाएगी और ये हमारा जो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब हम पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें हेड आता है और इसकी थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, बहुत ईजी है। कोई भी काम जो होता है अपने सर्टेन टाइम से, कि मैं 7:30 से पहले यहाँ पहुँच गई थी, आई हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर 7:30, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये देखने के लिए मिल जाएगा कि एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है या फिर दैट इज़ कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। तो यहाँ पर दो एक्शन की कंपैरेटिवली एक एक्शन आपका पहले ही, आफ्टर बिफोर आपको अक्सर देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आफ्टर बिफोर आए तो उसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इसमें सेकंड होता है उसके साथ, यानी आप इतना ध्यान रखिए बस, अगर सेंटेंस में एक बार हेड आ चुका है तो दोबारा हेड का एक ही सेंटेंस में, अगर जब तक फुल स्टॉप का यूज़ ना हो, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, लाइक हेड आ गया या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ गई, एक्स वाई जेड कोई भी, तो उसमें जब तक फुल स्टॉप ना आए तब तक आप दूसरी फुल स्टॉप कोमा या फिर कोई भी ऐसा चीज़, लेकिन हेड को दो बार आप यूज़ नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग, कि आपने फुल स्टॉप यूज़ नहीं किया हो। अगर उसमें दो एक्शन दिखाई दे रहे हैं तो कम से कम आपको देखना है कि सिर्फ किसी एक एक्शन के साथ जो कि पहले ख़त्म हो चुका है, सिर्फ उसके साथ हेड आएगा। ये भी आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम यहाँ पर कंडीशनल्स करेंगे तो मैं आपको उस चीज़ को भी समझाऊंगी, लेकिन आप इससे पहले कोई भी यहाँ पर टेंस का वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पर यूट्यूब पर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेंसेस के वीडियो बनाए हैं, लेकिन ट्रिक की मैं बात करूँ तो मुझे अपना वीडियो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगेगा आफ्टर रिलीजिंग। आई होप इस वीडियो को इतना ही प्यार आपसे मिले। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, एन एक्शन दैट वॉज कम्प्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, इट मीन्स दो जो हैं, दो काम होते हुए आपको महसूस होंगे, लेकिन एक काम जो पहले हुआ होगा, वी हैड चेक द बैग बिफोर वी लेफ्ट, हमने निकलने से पहले अपना बैग चेक किया, तो पहले कौन सा काम हुआ है बैग चेक करने का, तो मैंने यहाँ उसके साथ हेड लगाया। और हेड का इस्तेमाल आप तभी कीजिएगा बिफोर के वाले सेंटेंस में जब तक फुल स्टॉप ना आए, उसके बाद दो बार हेड का यूज़ नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये अक्सर ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ध्यान रखिए जब तक फुल स्टॉप ना आए तब तक आप हेड का यूज़ नहीं करेंगे, और एक सेंटेंस में दो बार हेड का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इन अनफुलफिल्ड डिज़ायर, जनरली हम क्वेश्चन ऐसे करते हैं, काश मैं राजा होता या फिर काश मैं, मेरी वीडियो वायरल हो जाती, ऐसा कुछ जो हम काश में करते हैं, लेकिन दैट इज़ आई हैड फॉलोड बाय माय फादर एडवाइस, या फिर मैंने ये किया होता, जो चीज़ अब प्रेजेंट में संभव नहीं है तब हम हेड का यूज़ करते हैं। और हेड के साथ सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिंगुलर हो कि या प्लूरल हो, सबके साथ ही हेड यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन बटन को प्रेस करके।
यहाँ पर टेंस के साथ वर्ब देखिए, अभी हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव इट मीन्स कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सिग्नल वर्ड्स सिंस द होल डे एंड ऑल डे, लेकिन फोर सिंस इसके मोस्ट सिग्नल वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर इतने अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं करते। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ पर हमें पढ़ना है कि कोई भी जो काम है, एक्शन है, कि वो सर्टेन टाइम में पास्ट जो भी है, पास्ट एंड कॉन्टिन्यूड, जो अब कॉन्टिन्यूड है अप टू द टाइम जब वो रुका है, लेकिन दोनों काम जो क्या हुए हैं, पास्ट में ही हुए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था हेड के साथ बस यहाँ बीन का यूज़ हो जाता है और आईएनजी का यूज़ होता है, लेकिन हेड का ट्वाइस यूज़ नहीं आपको करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर हेड एक बार आया है तो जब तक फुल स्टॉप नहीं आए आपको क्या करना है, आपको हेड का यूज़ नहीं करना है दोबारा। तो देखिए जब तक फुल स्टॉप नहीं आया, मैंने यहाँ सेकेंड फॉर्म ली है और हेड का यूज़ मैं उसके साथ करूँगी जो काम पहले हुआ है। अ रिपीटेड एक्शन इन अ पास्ट On a continuous basis, I had been trying to contact him, और मैं उसे बार बार contact करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर भी मैंने had का use लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम simple future के बारे में देखेंगे, तो simple future is very simple, क्योंकि हमारा जो future होता है present में काम करने के बाद बहुत ज़्यादा simple हो जाता है। तो इसके साथ अक्सर हम क्या करते हैं, action जो schedule होते हैं, generally हमने ये इस चीज़ को पढ़ा है, लेकिन अगर हम यूज़ देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हमें इसके यूज़ देखने के लिए मिल जाते हैं। एक्शन जो कि शेड्यूल्ड होते हैं टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, वी विल डू आवर वर्क, तो विल आ जाता है। इंस्टेंट डिसीजंस की अगर मैं बात करूँ, ओ आई विल गो एंड स्विच इट ऑफ, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ओ आई विल गो एंड स्विच इट ऑफ, तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो मैं उस इंस्टेंट डिसीजन के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने अभी इत्तफाकन लिया है, बट मैं यहाँ पर भी विल का यूज़ करूँगी। ठीक है, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं, जनरली विल हमारा स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ ऐड होता है, आई विल नॉट अलाउ यू टू डू इट, तो यहाँ मैं स्ट्रांग डिटर्मिनेशन की बात कर रही हूँ। एडवाइस सजेशंस की अगर मैं बात करूँ तो भी हम विल को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए शेल का यूज़ जो होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव माना गया है। लेकिन कभी कभी जो हमारा कमीशन है वो क्या करता है, वो हमें ये कहता है कि हम जो पुराने रूल थे कि आई वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं और अदर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं, तो वो उसी को फॉलो करता है अभी भी। लेकिन जो मॉडर्न रूल्स हैं ये मॉडर्न बुक में आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ भी आप कर सकते हैं, जैसे कि चोर का बेटा चोर ही रहेगा या फिर गैम्बलर का बेटा गैम्बलर ही बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, वैसे मैं ये कोई स्टेटमेंट को मानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक जनरल इफेक्टिव इफेक्ट अगर देना चाहें तो ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव हम बोल सकते हैं, तो इसमें भी सेम चीज़ है, इसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। एन एक्शन ओकर इन अ नॉर्मल कोर्स, आई शैल बी स्टेइंग विद माई अंकल, इट मीन्स कोई एक्शन जो कि आपको बता रहा हो किसी पर्टिकुलर नॉर्मल चीज़ के बारे में जो अभी आप करने वाले हैं। एन एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ द टाइम गिवन इन द फ्यूचर एट 3:30 PM, जो एक्शन है वो प्रोग्रेस में आपको दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम है आपके पास, विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन टाइम इन द फ्यूचर, आई विल बी अटेंडिंग अ लेक्चर। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में आपको वो काम क्या होता दिखाई देगा कि मेरे लेक्चर जो है 3:30 से बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं या फिर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जनरली ये सिग्नल वर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये हमें बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के अगर हम बारे में बात करें तो ये दोनों रूल्स जो हैं बहुत इफेक्टिव जाते हैं, कि एक्सपेक्टेड हो जाता है टू कम्प्लीट इन अ सर्टेन टाइम। ठीक है, आई विल हैव फिनिश्ड, इसके साथ हैज़ का यूज़ नहीं होता, सिर्फ हैव का यूज़ होता है। विल शैल के साथ हम सिर्फ हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ नहीं करते। अगर ध्यान रखिए कब नहीं करते, जब वो फ्यूचर परफेक्ट में आया हो या फिर विल शैल के, अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट भी याद नहीं रहता तो आपको याद रखना है कि अगर विल शैल के बाद हमें कुछ चीज़ यूज़ करनी है तो वो हमें क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ हैव करना है, हैज़ नहीं करना है। द स्पीकर्स बिलीव दैट समथिंग हैज़ टेकन प्लेस, यू विल हैव हर्ड अबाउट दिस, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं दैट इज़ बिलीव समथिंग हैज़ टेकन प्लेस, कि कुछ चीज़ होने वाली है, लाइक यू विल हैव हर्ड अबाउट दिस, कि आप इस चीज़ के बारे में जानोगे, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि आप उस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, राइट?
तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूस, इट मीन्स प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, प्रोग्रेसिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, जस्ट सिंपली पुट बीन बिफोर इट, और यहाँ पर हम बीन का यूज़ कर देंगे एंड यू हैव टू यूज़ ओनली इसका एक यूज़ होता है, इसको आप पढ़ सकते हो, दैट इज़ एन एक्शन विल बी इन द प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, ओवर हो जाता है, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years नेक्स्ट सेप्टेम्बर, तो आपको ये चीज़ें देखनी है, हैज़ हैव के साथ जनरली फोर और सिंस का यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ पर अगर आप एंड तक आ चुके हैं, वैसे मोस्टली लोग आते नहीं हैं, अगर आप आ चुके हैं तो इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है दैट शुड बी कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्टली यूज़ हुआ है, अगर आप उसको इस्तेमाल करना यहाँ पर कर पाते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच, बाय।